बारिश हो रही थी लेकिन अभी एक धूप निकल आई है और अब बैठे हुए आराम से ये सारे धूप में। और बारिश के मुनासबत से एक बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, मुझे याद आ गया ये चीज़ है कि बारिश में तोतों को अपने भीगने से बचाइए, बारिश में अपने तोतों को भीगने से बचाइए, ये बारिश में बीमार हो जाते हैं अगर बारिश का पानी इनमें पड़े। ख़ासतौर पर ये जो पहाड़ी होता है एलेक्जेंडर रिंगनेक जिसको बोलते हैं, ये पहाड़ी तोते जो हैं ये बारिश में बीमार हो जाते हैं अगर ये बारिश में भीगें। जब मैं इसको ले कर आया था ना पिछले साल की जो बारिशें होती हैं 6 महीने का था, मैं इसको ले कर आया था, ये बारिश में भीग गया था, ये नहाया उस वक्त हमको नहीं पता था, ये डिप्रेशन में चला गया था। मतलब डॉक्टर साहब के पास जब मैं लेके गया, इधर बहुत अच्छे एक डॉक्टर हैं समामा के सामने बैठते हैं डॉक्टर यूनुस, मैं उनके पास लेके गया। पहले मैं 2-3 अलग डॉक्टरों के पास लेके गया, फिर जब मैं उनके पास लेके गया तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल ये पूछा कि ये क्या बारिश में भीगा है। मैंने जी, उन्होंने बोला देखें बारिश में इनको भीगने से बचाइए, क्योंकि ये बारिश में भीगते ना तो ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। उसकी निशानी ये थी कि ये चोंच अब चोंच अड़ा के बैठ रहा था, मतलब जब भी बैठ रहा था ना तो चोंच से किसी चीज़ को पकड़ के फिर बैठ रहा था, ये बगैर चोंच से पकड़े नहीं बैठ रहा था, पिंजरे के ऊपर बैठ रहा था तो पिंजरे को चोंच से पकड़ रहा था। तो 2 दिन मैंने इसको देखा, पहले मैं अलग अलग डॉक्टरों के पास लेके गया, कोई बोला इंजेक्शन लगेगा, कोई कुछ बोला, किसी ने बोला इंजेक्शन लगेगा, किसी ने कुछ बोला, तो खैर लेकिन दिल मुतमइन नहीं हो रहा था। फिर मैं डॉक्टर यूनुस के पास लेके गया, तो डॉक्टर यूनुस ने जब ये सवाल पूछा फिर उन्होंने दवाइयाँ दी, एंटीबायोटिक दी, 2 दिन की दवाइयों से माशाल्लाह ठीक हो गया था। तो याद रखिएगा जब भी बारिश हो ख़ास तौर पे पहाड़ी तोतों को बारिश से बचाइए, इनको बारिश में भीगने से बचाइए, ये बारिश के पानी में भीगेंगे ये बीमार होने का इनका चांस है। और जब भी ये चोंच चढ़ा के इस तरह से बैठना शुरू हों तो समझ जाइए कि ये बीमार हैं, और कोई तजर्बे नहीं करें किसी की बातों में, यहाँ सीधा लाजमी डॉक्टर के पास लेके जाइए। और जो करीब रहते हैं या दूर भी अगर कराची में रहने वाले हैं तो समामा शॉपिंग सेंटर के सामने एनिमल केयर के नाम से मेरे ख्याल से, लेकिन डॉक्टर यूनुस हैं वो, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर भी उनका डाल दूंगा, तो जब भी ऐसा कुछ हो आप डॉक्टर यूनुस के पास जाइए, बहुत अच्छे बहुत तजर्बेदार डॉक्टर हैं। जी, और ये भोलू साहब मोबाइल पे हमला ही कर देता है, हटा आ जाओ ना ना ना, ये आंखों पे मारना शुरू कर देते हैं इसलिए मैं हट जाता हूँ। शेरू साहब यहाँ से देख रहे हैं, ये भी आ रहा है, ये हो क्या रहा है यहाँ पे, परेशान बेचैन शेरू, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, शेरू क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ बताएंगे आप हैं शेरू, शेरू भाग गए आप, तो देखने के आए थे अगर आपने भागना है। अच्छा आ जाए आ जाए आ जाए, क्या देखने आए थे, क्या देखने आए थे, किस बात की बेचैनी थी, बेचैनी किस बात की थी आपको, किस बात की बेचैनी थी। और ये दिखाऊं शेरू साहब के बॉडी गार्ड कहाँ पर बैठे हैं, हैप्पी भाई ऊपर जाके सकून से बैठे हैं, हैप्पी भाई जो है ना ये है शेरू साहब के बॉडी गार्ड हैं, शेरू ऐसा ही है, चलो चलो इधर जाओ। और मैं आपको दिखाऊँ ना तो ये फिर मेरे कंधे पे आके बैठ गया, बोलो ये देखो, बोलो आ जाओ आ जाओ, चलो 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 आ जाओ, चलो इधर बैठ जाओ, मैं जा रहा हूँ अंदर, मैं जा रहा हूँ अंदर, और बैठे रहो ना, बैठे रहो, वो अपने बॉडी गार्ड बुला रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, क्या हो गया, किसको बुला रहे हैं, बोलो इधर बैठो 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 बैठ जाओ, देखा मोबाइल पे नहीं, चलो मोबाइल पे हमला, इधर बैठो बैठ जाओ बैठो इधर बैठो बैठो बैठो
बैठो बैठ जाओ बैठो डाल दो अभी तो है जी। अभी साहब किसको बुला रहे हैं आप? मटू बेटे, मटू बेटे किसको बुला रहे हैं? शेरू साहब, शेरू भाई हम जा रहे हैं अंदर, अब आप बैठे आराम से इधर, ठीक है? आज बारिश हो रही है। ये भोलू कंधे से नहीं उतरेगा, कंधे से नहीं उतरेगा, इसको मैं कंधे से उतार के और जल्दी से भाग के जाऊंगा अंदर। अगर मैं जल्दी से नहीं भाग के गया तो इसने एक छलांग मार के आ जाना है।